अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ की हर खबर के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीरियों के सफीर बन गए। दुनिया में मसला कश्मीर को उजागर करने के बाद मुजफ्फराबाद में आज बड़ा जलसा करेंगे। इमरान खान का कहना है कि दुनिया को भारतीय मुजालिम से आगाह करना है, कश्मीरियों को बताना है कि पाकिस्तान उनके साथ है। कप्तान की पुकार, क्रिकेटर्स और फनकार भी हैं तैयार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाज़ पर आवाम के साथ क्रिकेटर्स और अदाकार भी मैदान में आकर जलसे में शिरकत करेंगे। मारूफ गुलूकार फाखर कहते हैं कि आए कश्मीरी बहन भाइयों का दुख दर्द बांटें और मुजफ्फराबाद जलसे में शिरकत करें। वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म के आज के जलसे के इंतजाम का जायजा लिया आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़राए आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार अतीक का कहना है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जलसा दुनिया देखेगी। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मुबस्सर भेजे, नस्ल कुशी का नोटिस ना लिया गया तो दुनिया बहरान का शिकार हो जाएगी। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से खताब, कहा पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की सालसी का खैर मकदम करेगा। भारत हमेशा पाकिस्तान में दारंदाजी करता रहा, कमांडर कुलभूषण इस बात की जिंदा मिसाल है। भारतीय हुक्मरान पर मजहबी जुनूनियत सवार है। घोटकी नेशनल हाईवे पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, कमसिन बच्ची समेत खातून जा बहक। हादसे में जा बहक बच्ची और खातून की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसेहरा ज़ेबुल्ला खान की हदायत पर जिला मानसेहरा के मुख्तलिफ थानों में सर्च ऑपरेशन। डीएसपी हेडक्वार्टर की जेर निगरानी एसएचओ थाना सदर ने दौरान ऑपरेशन 4 किलो चर्स बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।